हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमने ये जूतियाँ बनाई हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान है बनाना भी, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 35 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ये 30 फंदे ये होगा, और ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे तो हमने ये डाल लिए हैं। अब इसको हमने पहली सिलाई जो है इसको सीधा सीधा बुन लेना है, तो सभी फंदों को हम बुन लेंगे। तो इसको हम ये पूरी सिलाई जो है ये बुन लेते हैं। ये देखिए पहली सिलाई हमने सीधा सीधा बुन लिया है, और बैक साइड से देखिए कैसे बुनना है। पहला फंदा हम ये उतार लेंगे, बैक साइड से भी हमने पूरी सिलाई जो है सीधा सीधा बुनना है। तो ये पूरा बुन लेते हैं। अभी पूरा बुन लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो इसको हमने बढ़ाना शुरू करना है। तो पहला फंदा हम ये उतार लेंगे, और यहाँ पर एक फंदा यहाँ से हम लेंगे नीचे से, और इसको बढ़ा लेना है। और फिर यहाँ से हमने 16 फंदे बुनने हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से देखिए ये फंदा हमने उतारा था, ये एक बढ़ाया है, उसके बाद से हमने 16 फंदे बुनने हैं। ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15 और 1, ये 16 फंदा बुन लिया है। उसके बाद हमने एक फंदे में ये 3 फंदे हमने बढ़ाने हैं, तो 1, 2 और ये 3 हो गया है। ठीक है, इसके बाद से हमने ये 16 फंदे बुनने के बाद में फिर से हमने बढ़ाना है। तो ये देखिए 1, 2, 3 ये पूरा बुन लेते हैं। अब इधर हमने यहाँ पर ये 3 फंदे ये बढ़ चुके हैं, अब बाकी इधर के फंदे हमने बुन के यहाँ पर इस वाले एंड वाले में के पहले एक फंदा हमने ये बढ़ा लेना है। तो इसके नीचे से हमने एक धागा निकाल के ये बढ़ गया। अब फिर इन सभी दोनों फंदों को बुन देंगे। बैक साइड से देखिए कैसे बनाना है। बैक साइड से हमने पूरी सिलाई जो है सीधी ही बुननी है। ये देखिए इस तरीके से सीधा बुन लेते हैं। तो पूरी सिलाई हमने सीधा बुन लेना है, बिना घटाए बढ़ाए। तो ये पूरा हम बुन लेते हैं। अब ये देखिए बैक साइड से बुन के हम सामने तरफ आ गए हैं। तो फिर से हमने ये पहला फंदा उतारना है, इस वाले फंदे में हमने फंदे को बढ़ाना है एक फंदा, तो इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमने 17 फंदे बुनने हैं, अभी हमने 16 बुना था, अब 17 बुनना है। तो ये एक फंदा हो गया, ये 2, 3, 4 यहाँ तक 17 फंदे यहाँ तक बुन लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमने ये हमने उतार दिया था, ये एक फंदा बढ़ाया, उसके बाद 17 फंदे हमने बुनने थे। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 ये 17 फंदा हो गया। ये देखिए ये 3 फंदा जो हमने ये बढ़ाया था, तो फिर से हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे एक फंदा ये इसमें एंड वाले में, फिर इधर ये 2 फंदे बुन लेंगे। 1, 2 बुनने के बाद में ये तीसरे वाले फंदे में हमने बढ़ा लेना है। फिर इसको भी बुन लेंगे और इन सभी फंदों को भी बुन लेंगे। एंड वाले में इस वाले फंदे पर हमने फंदा बढ़ाना है, और बैक साइड से पूरा हमने उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरीके से हमने बुनते हुए 51 फंदे कर लेने हैं। अगर आप और इससे भी बड़ा बुनना चाहती हैं, तो यहीं से 35 फंदे की जगह और फंदे यहाँ पे बढ़ा सकती हैं। 37 कर लीजिए, 39 कर लीजिए, उसी अनुसार फिर बढ़ाते हुए आपको जितना ज़्यादा बड़ा करना हो उतना बड़ा कर सकती हैं। अब ये देखिए यहाँ तक हम ये एंड तक आ गए हैं। अब इसमें हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना है।
और इसको हमने ये बुन लेना है। अब बैक साइड से पूरे सिलाई जो है हमने सीधी सीधी बुन लेनी है बिना घटाए बढ़ाए। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बना लेते हैं। तो ये पूरा बुन लेते हैं। अब ये देखिए बैक साइड से बुन के हम फिर से सामने तरफ आ गए हैं। फिर से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। हर सिलाई में हमने सामने तरफ से फंदे बढ़ाते जाने हैं। अब यहाँ से हमने अब इस बार 18 फंदे बुनने हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर दो फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ एक फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ रहा है। एक सिलाई में चार फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 फंदे। बैक साइड से हमने सीधा सीधा पूरा सिलाई बुन लेना है। तो इसको हम बुन लेते हैं। इस बार 18 फंदे बुनने हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये 51 फंदे जो हैं ये हो चुके हैं। अब इसके ऊपर से ये देखिए ये सामने तरफ हम आ गए हैं। अब हमने यहाँ से फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो अब इसको अब हम यहाँ से बुन लेते हैं। तो यहाँ से ये पूरा सिलाई जो हमने सीधा सीधा बुनना है, तो इसको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। अब इस बार हम नहीं बढ़ाएंगे, 51 फंदे ही हमें करने थे। तो ये पूरा जो है ये पूरा बुन लेते हैं। अब ये पूरी सिलाई जो है हमने ये सीधी सीधी बुन ली है। अब यहाँ से बैक साइड से देखिए कैसे बनाना है। बैक साइड से अभी हमने पूरी सिलाई जो है ये उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे जो हम ये बुन रहे थे ये हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद हमने ये बैक साइड से पूरी सिलाई हमने उल्टी बुन लेनी है। तो इसको हम पूरा ही बुन लेते हैं। अब ये देखिए बैक साइड से हमने पूरी सिलाई जो है उल्टा बुन लिया है। अब देखिए सामने से कैसे बुनना है। पहला फंदा हम ये उतार लेंगे। अब यहाँ से हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके बुनना है। तो सीधा हमने ये देखिए फंदा कैसे बुनना है, जैसा हमारा ये दिख रहा है, ये देखिए डिज़ाइन जो है हमारा, ये जो है डिज़ाइन जो है अलग तरीके का ये बुना हुआ है, तो हमने इसी तरीके से बुनना है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। ये देखिए हमने ये सीधा फंदा है, तो इसको ये बैक साइड से बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बैक साइड से बुनना है और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदा को हमने इस तरीके से, हम ऐसे अधिकतर बुनते हैं लेकिन इधर से नहीं बुनना है। ये बैक साइड से हमने ये बुन लेंगे तो ये फंदे जो है हमारे ये घूम जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने बुनना है। ये देखिए ऐसे करके हमने बैक साइड से बुनना है और उल्टा फंदा तो उल्टा ही बुन लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके हमने ये बॉर्डर बुन लेना है। बॉर्डर तरीके से बुनना है, तो ये बुन लेते हैं। अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि 25 फंदे इधर के और 25 फंदे इधर के 50 फंदे हो गए। अब बीच का जो एक फंदा जो है 21 फंदे जो है, तो 25 और 25 50 हो गए और एक फंदा जो बीच में है तो इसको हमने इधर से देख लेना है। एक फंदा सीधा उल्टा करके जो हम बुन रहे हैं, एक फंदा ये सीधा है, अब ये उल्टा बुनेंगे और ये सीधा बुनेंगे। तो हमारा जो बीच का जो एक फंदा जो है यहाँ पे जो आएगा तो वो सीधा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम काउंट करके देख लेंगे। ये देखिए सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, फिर सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ऐसे करके यहाँ पे जो बीच में जो एक फंदा जो आएगा, इधर 25 फंदा छोड़ के, इधर 25 फंदा छोड़ के, वो एक फंदा जो है वो सीधा आना चाहिए। तो हमने यहाँ से शुरू करने समय ये देख लेना है। तो हमने ये देख लिया था, तो अब ये हमारा ये एक सीधा उल्टा फंदा हमने करके बुन लेना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, 25 फंदे के बाद एक फंदा जो है वो हमारा सीधा होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और ये 25 फंदा हो गया और ये 25वां फंदा हमारा ये उल्टा है। और ये देखिए इसके बाद ये बीच का जो है ये फंदा जो है ये सीधा बुनने को आ गया है। तो इस तरीके से इसको बुन लेते हैं। ये देखिए सीधा होना चाहिए ये फंदा। अब बाकी इधर जो फंदा, ये भी 25 फंदे हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 24 फंदा और एक 25 फंदा ये हो गया। तब यहाँ से ये उल्टा फंदा ये बुनेंगे और ये सीधा फंदा जैसे हम बुन रहे थे। तो पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। बस ये ध्यान रखना है पहली सिलाई में कि जो 25 फंदे के बाद जो एक फंदा है वो फंदा जो है सीधा आना चाहिए। तो इसको हम ये पूरा बुन लेते हैं। बैक साइड से भी हमने इसी तरीके से बुन लेना है। तो 6 सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। तो ये सिलाई हम ये पूरा बुन लेते हैं।
अब ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से देखिए कि कैसे बनाना है हमें। अब यहाँ पर ये देखिए जो सीधा फंदा है बैक साइड से, इसको तो इसी तरीके से सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए सीधा बुन लिया हमने, और ये उल्टे फंदे को जो है, ये उल्टा फंदा है तो इसको हमने इस तरीके से लेना है। सामने तरफ से नहीं लेंगे, ये बैक साइड इधर बैक से लेंगे। सीधा फंदा को ये देखिए सीधा बुनना है, और ये उल्टा फंदा को, ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको इधर से लेंगे हम। ये फंदे पलटने हैं हमें, क्योंकि सामने तरफ से सीधा फंदा आ रहा है तो इसको हमने ये इस बैक साइड से ही उल्टा है तो सामने तरफ से ये सीधा आएगा, तो इसलिए आगे तरफ वाले फंदों को हमने इस तरीके से पलट लेना है। ये देखिए ऐसे करके तो ये पलट लेंगे, तो ये बैक साइड से हम बुन रहे हैं, हमने इसी तरीके से बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम ये छः सिलाई हमने बुनना है, तो ये दूसरी सिलाई है। चार सिलाई और बुन के फिर घटाने का दिखाते हैं कि कैसे घटाना है। तो ये हम बुन लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिए। तो ये पूरी सिलाई हम बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये छः सिलाई जो है ये बुन लिया है हमने। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिलाई हमारा ये हो गया है। अब हमने देखिए यहाँ से कैसे बुनना है। अब यहाँ से हमने 24 फंदे जो है ये बुन लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये सामने तरफ से है तो फंदा पलटते हुए हमने बुनते जाना है। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, तो इसको सीधे वाले को बैक साइड से हमने बुनना है। तो हम ये 24 फंदे जो है ये बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये 24 फंदे बुन गए हैं। ये देखिए 6 3 6 9 12 15 18 21 और 22 23 24, ये 24 फंदे हो गए हैं। 25 फंदा ये है, इस ये वाला फंदा, तो ये और ये और ये तीनों को हमने एक साथ घटाना है। तो इस वाले फंदे को हमने सामने ले लेना है। तो इस तरीके से दो फंदे जो है एक साथ ऐसे कर लेंगे, और ऐसे पलट के तीनों को, तीन फंदों को एक साथ हमने घटा देना है। ये देखिए तीन फंदा हमने ले लिया, अब इसको घटा देंगे एक साथ। ये देखिए तीन फंदा यहाँ घट गया। अब बाकी ये जो फंदा हमें सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुन लेंगे बैक साइड से, और ये उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, तो इसको हम बुन लेते हैं। अभी पूरा बुन लेते हैं। अब ये देखिए हमने बीच में सिर्फ एक घटाया है ये, और बाकी सब हमने इधर से ये सब ऐसे ही बुन लिया है। बैक साइड से देखिए कैसे बनाना है। बैक साइड से सीधा फंदा को इस तरीके से सीधा बुन लेंगे, और उल्टे फंदे को इस तरीके से पलट के हमने बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हम बीच तक यहाँ पर बुन के आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने ये पूरा फंदा बुन लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए तीन फंदा हमने दिख रहा है, तीनों उल्टा दिख रहा है। तो उल्टा बुनने के लिए हमने ये फंदे तो उल्टे बुन लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये फंदा जो है बीच का, इसको बुना बुने उतार लेना है हमें। फिर ये फंदा जो है उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर बाकी जो फंदा जैसे दिख रहा है उसको बुनते जाएंगे। ये बैक साइड से हम बुन रहे हैं, तो इसको इसी तरीके से ये सिलाई हमारी कंप्लीट करनी है। बैक साइड से हमने हर बार फंदा बिना बुने ये बीच का उतारना है, जो हम फंदे घटा रहे हैं। और सामने तरफ से हर बार हमने तीनों फंदों को घटाना है। तो इसी तरीके से हमने ये बुनना है। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बैक साइड से बुन के हम सामने तरफ भी हमने ये बुन लिया है। अब ये देखिए फिर से हमने ये फंदे घटाने हैं। तो ये तीन फंदों को हम घटाएंगे जो सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो हमने इस तरीके से फिर से ये बीच वाले फंदे को आगे कर लेंगे ऐसे, और ये तीनों फंदा एक साथ घटा देंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदा हमने ये ले लिया है, और इसको घटा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने फिर उल्टा भी फंदा दिख रहा है तो इसको उल्टा बुन लेंगे,
सीधा फंदा को सीधा, बस अब इसी तरीके से हमने तब तक घटाते रहना है जब यहाँ जब तक यहाँ पर 35 फंदे नहीं बच जाते पूरे में। तो इसको हमने हर बार सामने तरफ से घटाना है, बैक साइड से ये फंदा उतार देना है और पूरा जो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बुनना है। तो इसको हमने बुन लेना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये घटाते हुए यहाँ 6 सिलाई बुनने के बाद हमने ये घटाते गए हैं और यहाँ तक। अब ये यहाँ से 35 फंदे हमने रखने हैं। तो इसको अभी एक फंदा और घटाना रह गया, तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और ये सीधा फंदा है, इसको इस तरीके से हमने सीधा बुन लेना है। इस उल्टा फंदा को बुन लेंगे। अब ये फंदे जो है, अब ये देखिए ये तीनों फंदों को हमने घटाना है। तो इस तरीके से हमने ये फंदे को पलट लेना है और तीन फंदा जो है एक साथ में करके ये घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर 35 फंदे बच गए हैं। ये देखिए ये 18 फंदे हो गए। अभी पूरा काउंट करके ये 35 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हमने जो जैसा अब फंदे हैं हमारे उसको हमने ये बुन लेना है। अब देखिए सामने से बुन के हम बैक साइड भी हमने ये बुन लिया है। अब ये देखिए बीच वाले फंदे को हमने उतारना है, तो ये साइड वाला फंदा जो है इसको बुन लेंगे और ये फंदे को हमने ये उतार लेना है। फिर ये देखिए सब फंदे जो जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा और उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुन लेना है। तो इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। फिर कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सामने से देखिए कैसे बुनना है। अब हमने नॉर्मल बुनना है। अब यहाँ से अब हम ये फंदे को पलटेंगे नहीं, सारे फंदे को हमने ये सीधा सीधा बुन लेना है। तो इस तरीके से हमने ये बुन लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर जाली भी डाल सकती हैं, हमने नहीं डाला है। तो इसको अब इसी तरीके से अब हमने बुन लेना है, सामने तरफ से भी बैक साइड तरफ से भी। तो इसको बुन लेते हैं। अब सामने से हमने ये पूरा सीधा बुन लिया है, अब बैक साइड से भी हमने ये सीधा बुन देना है। ये हमने पूरा हमने बॉर्डर के तरीके से बुन लेना है दोनों तरफ से। तो इसको हम बुन लेते हैं इसी तरीके से। 6 धारियां हमने बना लेनी है। अभी ये पहली धारी बन रही है। इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 6 धारियां हमने बना लेनी है। तो हम ये बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये धारियां जो है ये बुन लिया है। अब इसको अब हम घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो गई हैं। अब हम यहाँ से इसको बंद करेंगे। तो पहला फंदा हम इसको उतार लेंगे और इधर ये बुनेंगे और ये फंदा जो है इसके ऊपर से हमने उतार देना है। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा बुनना है और ये दूसरा ऊपर से ये दूसरा फंदा ये उतार देना है। तो इसी तरीके से हमने ये सभी फंदों को बंद कर देना है। तो ये बंद करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सभी फंदों को ये बंद कर लेना है। तो बंद कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी फंदों को ये बंद कर लिया है। अब यहाँ पर एक फंदा बचा है, तो इस धागा को थोड़ा सा लंबा हम काट लेंगे ताकि हमने सिलना है। तो इसलिए हम इसको ये लंबा हमने काट लिया और इसको इसके अंदर से निकाल के इसको खींच लेते हैं। ये देखिए ये बंद हो गया। अब हमने इसको ये सीधा तरफ से है तो इस तरीके से पलट के और हमने ये पूरी जो है इस तरीके से ये सिलाई कर लेनी है। ये पूरा हमने ये सिल लेना है यहाँ तक, यहाँ से ये सिलते हुए यहाँ तक ऐसे करके। आप चाहे तो प्लेन भी बुन सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि फंदों को फोल्ड करके ही बुने। तो इसको सीधा सीधा भी आप बुन सकती हैं। तो चलिए हम ये सिल के आपको दिखाते हैं। ये हमने इस तरीके से मिलाते हुए पूरा ये सिल लेना है। तो सिल लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसको सिल लेना है। यहाँ पर एक एक फंदा यहाँ से पकड़ के इसको इस तरीके से सिल लेंगे। टाइट कर खींच लेना है हमने सिलते समय।
ये पूरा हम सिल लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये यहाँ से ये सिलते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अभी एंड तक हमने ये सिल लेना है। ये देखिए एंड में यहाँ तक हमने ये सिल लिया। अब इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से अब गांठ लग गया हमारा। अब हम इस धागे को थोड़ा सा अंदर इधर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर इसको हमने काट देना है धागे को। अब ये हो गया, अब इसको हम काट देते हैं। ये देखिए सिल के ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ये तैयार हो गया है। इसको हमने अब न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2-3 महीने तक के बच्चों को आराम से आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से करके आप इसका पैर के नीचे का तलवा जो है ये आप नाप सकती हैं। ये देखिए जिस बेबी का पैर जो है 4 इंच तक होगा तो आराम से उस बच्चे को आ जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है तो इतना इंच के बच्चे का पैर जो है आप नाप के उस नाप का ही आराम से ये बच्चे को आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसमें डोरी लगा लेते हैं। ये देखिए डोरी बनाने के लिए हमने ये ग्रीन कलर का धागा ले लिया है। इसके क्रोशे से तो एक छोटा सा पत्ती बनाएंगे जो तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये बना लेना है। इसको गांठ लगा लेंगे। इसके बाद हमने बुनना है इसको। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखिए 8 फंदा हमने ये बुन लिया। इसके बाद हमने यहाँ से ये घुसा के हमने इस तरीके से बुनना है। पहले छोटा बुनना है, फिर उसके बाद इसको बड़ा करते जाना है। इस तरीके से धागा फंसाना है। फिर नेक्स्ट फंदे में हमको घुसा के इस तरीके से हमने ये बड़ा करते जाना है। इस बार अब एक बीच में हम ये चौथे फंदे पे आ गए हैं तो एक बार फिर से इसी में हमने ये घुसा के इसको धागा जो है इसी में बड़ा बुन लेना है। इसके बाद अब हम इसको इसके बाद से अब हमने ये छोटा बुनते जाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम छोटा करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ से एक फंदा बुन लेंगे। 2 फंदा हमने ये बुन लिया। अब इसको इधर तरफ फोल्ड करना है, हमने बनाना है। तो फिर से हम यहाँ से इसको एक बार लेंगे। फिर अब इसको 2 बार ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बनाते जाना है। अब यहाँ से फिर से अब हम थोड़ा थोड़ा सा फंदों को लंबा करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लंबा बनाते जाना है। अब इस बार इसी फंदे में हमने 2 बार ले लेना है जैसे हमने इधर लिया था।
इसको भी लंबाई लेना है। ये देखिए इस तरीके से अभी पत्ती के शेप में ये बनने लगा है। अब इधर जो है अब हम छोटा करते जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम छोटा करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये एंड में अब एक बार हमने ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए पत्ती की शेप में ये देखिए बन चुका है। इस तरीके से एंड में हमने ये ले लिया। अब यहाँ से हम ये दो फंदा ये हमने बुन लिया। अब इसी को इसके ऊपर से फोल्ड करके हमने बुनना है। तो ये अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके ऊपर से। अब यहाँ से हम ये घुसाएंगे और इसको इस तरीके से बुन लेंगे। ये देखिए बीच का डिज़ाइन हमने ये बना लेना है इस तरीके से। नीचे से घुसा के हमने धागा को लेना है और ऐसे करके हमें ये बुनना है। ये देखिए इस तरीके से हम ये पत्ती के ऊपर हमने ये इसके ऊपर बीच से ले लेना है। ये देखिए बन रहा है। कितना सुंदर पत्ती ये बन के ये डिज़ाइन जो है ये बन रहा है। अब ये देखिए पत्ती जो है हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पत्ती कंप्लीट हो गया है। अब इसी में अब हम चेन बना लेंगे इस तरीके से। जितना लंबा हमने चेन रखना है तो इस तरीके से हमने बना लेना है। तो ये बना लेते हैं चेन। अब ये देखिए हमने ये इसमें 55 चेन बना लिया है हमने। ये देखिए इस तरीके से चेन बनते हुए ये 55 हो गया है। अब इसके बाद देखिए कि क्या करना है इसको। अब अभी देखिए हमने ये जूती ले लेनी है। अब यहाँ से हम ये जो हमने ये बुना है इसको घुसाते जाएंगे यहाँ से। ये देखिए इस यहाँ से हमने ये ले लेना है। इसको इस तरीके से हमने निकाल लेना है। अभी हम इस धागे को काटेंगे नहीं। अब एक छोड़ के फिर इसमें लेके ऐसे घुसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये घुसा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें घुसा लेना। एक छोड़ के फिर इसमें घुसा लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स हमने इस धागे के साथ में इसको घुसाया था। तो इसको इधर तरफ ये धागा है तो इसको हमने एक और पत्ती यहाँ पर बुनने के उतना अनुसार हमने ये धागा इधर से खींच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो धागा हम ये निकाल लेते हैं। अभी हो गया तो इसको हम धागा को काट देंगे। पत्ती के बराबर हमने ये खींच लिया है। इधर से हम पूरा इस धागे को निकाल लेते हैं। ये देखिए निकल गया। अब हमने यहाँ पर भी जैसे हमने ये पत्ती बुना था उसी तरीके से ये पत्ती अब हम यहाँ भी एक बुन लेते हैं। ये देखिए तो इसको हम बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने 8 फंदा बुन के और ये हमने ये बुन लिया आधा। अब यहाँ से फिर से इसको यहाँ से फोल्ड करके एक फंदा बुन लेंगे। इधर इधर तरफ आने के लिए हमने 2 फंदा बुन लिया। उसके बाद पहला फंदा में हमने ये घुसा के एक बुनना है। फिर एक बार ले लेंगे। अब इन सबको एक बार में कर लेना है।
फिर इसके बाद दो बार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमने इधर ये बढ़ाते जाना है। तो ये बुन लेते हैं हम पूरा। अब ये देखिए जो है ये यहाँ से यहाँ तक हमने ये बुन लिया, पत्ती ये कंप्लीट हो गई है। अब ये दो फंदा भी हमने बुन लिया है। अब इसको यहाँ से ले जाके हमने बीच वाली चेन जो है जैसे हमने बनाया था उस तरीके से बनाना है। ये देखिए बीच वाली चेन जो है हमें इसी तरीके से बना लेना है। अब ये देखिए बीच वाली चेन को हमने ये बुन लिया है और धागा को पीछे ले जाके हमने ये बांध दिया है और इसको टाइट कर देना है। ये देखिए इधर से ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ से ये बांधने के लिए बहुत ही खूबसूरत डोरी जो है ये बन के तैयार है। ये पत्तियाँ हमने बना दी हैं तो ये निकलेगा भी नहीं। तो इसके बाद इसको गांठ लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने गांठ लगा लेना है। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमने दूसरे जूते में भी लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये दोनों बन के कम्प्लीट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने के लिए।